एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी तरफ कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। गोवा में पूर्व सीएम समेत कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बुधवार को हुआ बड़ा हादसा, बस के खाई में गिरने से 11 लोगों की हुई मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख। पीएम मोदी ने दी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, कहा हिंदी की सरलता संवेदनशीलता हमेशा लोगों को आकर्षित करती है। गुजरात के अहमदाबाद में निर्माणाधीन इमारत की अचानक लिफ्ट गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा, हादसे में 7 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। अहमदाबाद के गुजरात में आतंकवाद विरोधी दस्ते ने पाकिस्तानी नौका से 200 करोड़ रुपए की हीरोइन जब्त की, साथ ही 6 पाकिस्तानी नागरिक भी पकड़े गए। भारत जोड़ो यात्रा का आज 8वां दिन, राहुल गांधी ने तिरुवनंतपुरम के प्रख्यात समाज सुधारक श्री नारायण गुरु को शिवगिरी मठ में दी श्रद्धांजलि। भ्रष्टाचार को लेकर अपने राज्य के कृषि मंत्री के बयान पर घिरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा कि उनका बयान आंख खोलने वाला है। भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, 6 हफ्तों में सरकारी बंगला खाली करने को कहा। महाराष्ट्र में यूपी से आए साधुओं की बेरहमी से की गई पिटाई, बच्चा चोर समझकर साधुओं पर बरसाए लाठी और डंडे। अमेरिका ने बाढ़ प्रभावित पाकिस्तान में 10 लाख पाउंड से अधिक की मानवीय आपूर्ति के लिए 10 मिशन भेजे, पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक करीब 1400 लोगों की हुई मौत।